आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के बारे में, जिसको सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए 26 रफाल फाइटर जेट को अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर भी यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अप्रूवल आया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से। कुछ जानकारों का मानना है कि इनिशियली रफाल को लेकर जो डील हुई थी वहां पर सारे अप्रूवल्स दे दिए गए थे और एडिशनल रफाल की प्रोविजन वहां पर थी जिसका प्रयोग यहां पर किया जा सकता है और इसी वजह से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि काफी हद तक आने वाली मोदी जी की विजिट के दौरान इन दोनों प्रोक्योरमेंट को लेकर डील साइन कर ली जाएगी और यहां पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से जो अप्रूवल आया है उसको पब्लिक इस वजह से किया गया है क्योंकि हिस्टोरिकली पिछले 2-3 डील्स को लेकर इंडियन ऑपोजिशन की तरफ से क्वेश्चन किए गए थे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल के बगैर इस तरीके के प्रोक्योरमेंट डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं। देखिए, 26 फाइटर जेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए लिए जा रहे हैं और ये चीज हम सभी को पता है कि इस समय इंडियन नेवी के पास अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इनफ फाइटर जेट नहीं है और ये रिक्वायरमेंट इस समय काफी ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को इस डील को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है और मैं यहाँ पर आपको एक कॉशन देना चाहूंगा कि इस प्रोक्योरमेंट को लेकर और भी कई सारी टर्म्स हो सकती हैं और यहाँ पर चांसेस हैं कि इंडिया कुछ रफाल फाइटर जेट लीज पर भी ले, यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग के लिए फाइटर जेट लीज पर आए और बाद में एयरफोर्स के ऑर्डर के साथ में चीजें कंसोलिडेट हों। ओवरऑल इस मोमेंट पर यह चीज क्लियर है कि 26 फाइटर जेट अप्रूव कर दिए गए हैं और इवेंचुअली 24 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे, लेकिन यह प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होगी उसको लेकर डिटेल्स हम लोगों को तभी मिलेगी जब एक्चुअल डील साइन होगी। नेवर्दलेस ये न्यूज खुद में काफी बड़ी न्यूज है कि 26 फाइटर जेट अप्रूव कर दिए गए हैं और जो एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट का एक आउटसाइड चांस यहाँ पर बन रहा है स्पेशली जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन डील के बाद में, वो चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा था कि जिस तरीके की राजनीति फाइटर जेट्स को लेकर चल रही है उसके चलते शायद आने वाले इलेक्शन तक भारत में कोई फाइटर जेट डील ना हो, लेकिन शायद अब वो चीज भी गलत साबित होगी। रही बात दूसरी डील की, वो है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर। इसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को भी अप्रूवल दिया गया है। इनिशियली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर जब डील साइन की गई थी वहां पर 3 एडिशनल सबमरीन का प्रोविजन था और मोस्ट लाइकली यहां पर उसी चीज को एक्सरसाइज करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आपको ट्विटर पर बताया था कि L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने का और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फिलहाल के लिए पहली 2 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के लिए बनाया जा रहा है जो इवेंचुअली बाकी 4 सबमरीन्स में भी लगाया जाएगा। लेकिन ये जो 3 एडिशनल सबमरीन्स का ऑर्डर जा रहा है, यहाँ पर जो सबमरीन्स निकल कर आएंगी वो DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में होंगी, यानी कि ओवरऑल इंडियन नेवी के पास में 9 स्टेट ऑफ द आर्ट स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स होंगी, वो भी DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि आने वाली 14 से 16 तारीख इंडियन डिफेंस के लिए काफी बड़ी डेट्स होंगी और अगर यहाँ पर आमका के इंजन की डील हो जाती है तो मिठाई जरूर बांटिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।